वहां जाकर लोग दावत दे। अब मक्का से ताइफ को निकले हैं, 60 मील दूरी है, 60 मील दूरी है, ये मामूली बात नहीं है, 90 किलोमीटर से ऊपर है, 90 से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। पांव कल जा रहे हैं, साथ में जैद बिन हारसा है, दोनों जा रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं। वो जमीन वहां की, जो पथरीली जमीन, जो कांटे जैसी पत्थर जिसमें चल रहे हैं, पांव में छाले पड़ चुके हैं। अब इस्लाम बड़ी उम्मीद के साथ ताइफ गए थे कि शायद ये लोग आपकी दावत पर कहेंगे, उस्मान हो जाएंगे। अब इस्लाम ताइफ पहुंचे हैं, वहां अब इस्लाम अब यालैन के तीनों बेटों पर जो है, तीनों भाई पर दावत, तीनों कबीले के सरदार थे, इस्लाम पेश करते हैं। तीनों में कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कहता है अगर नबी बनाना होता तो तू क्यों बनाता, या तीन को बनाता, एक और नहीं मिला, कोई कुछ को कुछ बात कहता है, तीनों में कोई आपकी बात नहीं सुनता है। आप सल्लम इतना ही नहीं क्या बात सुनता है, बल्कि आप सल्लम को मारता है, कुछ आवाज़ों को पीछे लगा देता है। जब हम वापस आ रहे थे, वो आवाज आप पत्थर बरसा रहे थे, इतना पत्थर मारा था, आपका पूरा बदन जो है खून से लहूलुहान हो गया था, आप बदन से खून बहते बहते जूते में दम गया था। आप असलम पर घसी की हो गई, असलम जो है एक जगह जो है बैठ गए, और फिर वहां पे एक जो है मक्के का जो है एक आदमी का बागीचा था, उसने आपको जो है पानी पिलाया, खुद राहत मिली। इसी असना में अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को भेजता है, एक फरिश्ता बादल का भेजता है, और एक फरिश्ता जो है एक पहाड़ का भेजता है। वो आज जबरील आ रहे हैं, भाई आ रहा है, कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी कौम ने आपके साथ जुम्मन जाती क्या है इसको देखा है, आपकी हिमायत के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ का भेजता भेजा है, आप उसे कहिए तो अगर ये फरिश्ते इन ताए वालों को दो पहाड़ के बीच में पीस दे, हलाक कर दे, एक कुर्बान जाइए मेरे नबी की रहमत पर, मेरे नबी के अखलाक पर, कितना ऊंचा अखलाक था, कितना आला अखलाक था। अरमा था कि ए फरिश्ते मैं इन्हें छोड़ दो, अगर ये मान लाए ना लाए, कि मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद मुसलमान होगी, ऐसा हुआ ही कुछ दिन बाद पूरा कबीला मुसलमान हो गया। मैं ये कह रहा था कि सुनो, वो जाति के पहाड़ की जो है हमारे नबी पर किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि आप हक पर थे। हर जमाने में अहले हक पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए हैं, अहले हक को जो है परेशान किया गया, मारा गया है, नई बात नहीं है। आज भी आप पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह ताला को इम्तहान ले रहा है, देख रहा है कि क्या वाकई आप ईमान वाले हैं कि नहीं, आपको दिल में ईमान है कि नहीं। आप दिल में ईमान होगा तो आप इस जुल्म ज़्यादती पर सब्र करेंगे, इस जुल्म ज़्यादती पर के खिलाफ जो है सब आड़ा रहेंगे, अपना कटना गवारा करेंगे। लगी हुआ था के अब उधर समा था, अब उधर था कटला गवारा करना, एक शिर्क मत करना, जलना गवारा करना, शिर्क मत करना, ये चाहते हैं आप शिर्क करें, ये चाहते हैं कि आप जो है कुफ्र करें। लेकिन याद रखिए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए इन तमाम चीजों का रुकिए। अल्लाह ताला इसी बात को कहा में फरमाया वतवासौ बिलहक थे वतवासौ बिसब्र, अल्लाह फरमाया के वो लोग हसारे से बाहर हैं, वो लोग नुकसान में नहीं हैं, हक बात की वसीयत करते हैं, हक बात लोग कहते हैं, हक बात कहते हैं तो लोग उन्हें मारते हैं, तो सब करते हैं, ऐसे लोगों को सब करते हैं। हक पर जब हक बात पेश करेंगे तो लोग आपको मुखालफत करेंगे, लोगों को जो है आपके खिलाफ होंगे, ऐसे लोगों को सब्र करना है। अल्लाह ताला ने वसीयत की है और अल्लाह ने नबी को भी हुक्म दिया है। मैं कहने का मतलब यह है कि हालात बहुत नाजुक हैं।